हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डियर स्टडी पॉइंट में। आज का जो हम लोग का सेशन है, जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देख चुका है कि आज का हम लोग का मिक्सचर एलिगेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ तक मुझे नॉलेज में आया है, जहाँ तक लोगों बच्चों ने मुझे बताया है कि सर इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हें होती है कि किस जगह पे कैसे लगाना है, ऐसे ये उन्हें पता नहीं होता। बस दो चार सवाल को उनको करने का तरीका मालूम है और वो उतना तक ही सीमित रहते हैं, उससे ज्यादा उन्हें आता नहीं है। ठीक है, देखो ये एक ऐसा चैप्टर है, मैं तुम्हें सबसे पहले ये बता दूं इस चैप्टर के बारे में। ये एक ऐसा चैप्टर है जो खुद का नहीं है। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि इस चैप्टर में बाकी सारे सवालों को आसान बनाया जा सकता है, इसका खुद का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। ठीक है, मतलब लिटरली इसको अगर हम लोग बोले तो ये एक चैप्टर का हिस्सा है जो तुम्हारे सवालों को आसान बनाने में हेल्प करेगा तुम्हारी। ठीक है, तो चीजों को ध्यान से समझना। इस पूरे मिक्सचर एलिगेशन के सीरीज में कम से कम 5 से 7 वीडियोस लेके आऊंगा जिसमें पूरा कंसेप्ट मैं बताऊंगा तुम्हें, बेसिक से एकदम जीरो लेवल से तुम्हारा। ठीक है, और काफी ऊपर लेवल तक हम लोग जाएंगे, जहां तक कि हम लोग का जितने भी तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है, कैसे कैसे लगाना है हम लोगों को, इस चीज को देखेंगे। देखो मिक्सचर एलिगेशन जो है, एलिगेशन बेसिकली हम लोगों का बहुत जगह लगता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में लगता है। ठीक है, लगभग में सारे चैप्टर्स में लगता है ये, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ऐसे ना जाने रेशियो, बहुत सारे चैप्टर में तुम एलिगेशन और मिक्सचर जिसको बोलते हो उसको लगाकर तुम चीजों को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले हम जो ये सेशन शुरू करने जा रहे हैं, इस सेशन की सबसे खास बात क्या होगी कि तुम्हें जितनी भी चीजें बेसिक से मैं बताऊंगा उनका मैं तुम्हें सवाल भी कराऊंगा। ठीक है, आज का हम लोग का पहला जो सेशन है उसमें पूरा बेसिक खत्म नहीं होने वाला है, कुछ एक दो पॉइंट जो है हम लोगों का वो रहेगा ही, लेकिन सबसे पहले जितना बेसिक्स मैंने बताया है उन बेसिक्स पे मैं सवाल को डील करवाऊंगा, उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट की वीडियो आएगी, उसके बाद फिर उनका सवाल है। ठीक है, तो ध्यान से एकदम बने रहना है और वीडियो को अंत तक शेयर करना है, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, ज्यादा ज्यादा फैलाना है। देखो फैलाने का काम जो है ना तुम्हारा ही है, हमारा नहीं है फैलाने का काम। हम लोग तो बस तुम तक, जितने बच्चे मेरे जान पहचान में है या जितने लोग है मैं उन तक पहुंचा दूंगा, बाकी तो तुम्हारा ही काम है, तुम्हें ही आगे बढ़ाना है। जितने भी ग्रुप से उन सब में तुम्हें बढ़ाना है, जितना तुम बढ़ाओगे इसी तरीके से मैं हर एक चैप्टर को आसान करके लाऊंगा तुम लोगों के लिए, कि चीजों को देखना और शब्दों को बदल के सवालों को करने का नजरिया क्या होता है। ठीक है, तो चीजों को समझो। मिक्सचर एलिगेशन पूरा 5 से 7 वीडियो होगा, पूरा शुरू से लेके अंत तक देखना। अगर आ भी रहा है ना तुम्हें कोई बात, तुम फिर से देखो, तुम मैं गारंटी के साथ दे रखा हूं तुम्हें कि तुम कुछ ना कुछ तो जरूर सीखोगे। ठीक है, तो बने रहना है और बिना देरी के हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को क्या करना है, जाके सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो देखने के बाद लाइक बटन जरूर दबाना है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना है कि क्या अच्छा लगा, अगर कुछ खराबी भी लगे तो वो भी तुम बता सकते हो, हम लोग जरूर उन चीजों पे काम करेंगे। ठीक है, चलो सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग शुरू करते हैं और ये जानने का कोशिश करते हैं कि किन इक्वेशंस पे हमारा एलिगेशन लगता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास दो तरह का राइस है, ए तरह का राइस ए एंड राइस बी, ठीक है, मैं यहां नेमिंग कर देता हूं राइस ए एंड राइस बी। अगर मैं बोलू राइस ए मैं खरीद के लेके आया 29 रुपीज पर केजी में और राइस बी मैं खरीद के लेके आया 42 रुपीज पर केजी में। ठीक है, अब जब खरीद के लेके आया, एक कम दाम का है एक ज्यादा दाम का है, तो मैं क्या करूंगा इन दोनों को मिक्स कर दूंगा। ठीक है, मिक्स करने के बाद जो है हम लोगों का एक मिक्सचर बनेगा जो कि होगा ए प्लस में बी। ठीक है, ए प्लस बी जब हम लोग का मिक्सचर रेडी हुआ तो हम लोगों ने कुछ क्वांटिटी इसके लिए, कुछ क्वांटिटी इसके लिए, जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल क्वांटिटी, अलग अलग क्वांटिटी, और जब हम लोगों ने मिक्स किया तो मिक्सचर का हम लोगों का रेट जो निकल के आया वो निकल के आया 35 रुपीज पर केजी। ठीक है, हमसे पूछेगा सवाल में क्या कि किस रेशियो में ए और बी का क्वांटिटी हम लोगों ने लिया। ठीक है, अगर मैं बेसिक्स का बात करूं तो इसका सबसे आसान बेसिक्स क्या है हम लोगों का, मैं बोल देता हूं कि राइस ए जो है मैंने एक्स केजी दिया। ठीक है, राइस बी जो है वो मैंने वाई केजी दिया। ठीक है, अब अगर एक्स केजी लिया तो मैंने टोटल क्वांटिटी निकाल देता हूं, 29 रुपीज के हिसाब से एक्स केजी खरीदूंगा तो टोटल कॉस्ट हमारा क्या आएगा 29x, 42 रुपीज के हिसाब से वाई के जी खरीदूंगा तो क्या आएगा 42 का, और ये टोटल अमाउंट जो है इधर मिक्सचर के टोटल अमाउंट के बराबर आना चाहिए हमारा 35 रुपए के हिसाब से, कितना के जी एक्स प्लस वाई के जी। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे 29x 35x जब घट जाएगा तो ये तुम्हें देगा 6x, 42y और 35y जब तुम घटाओगे तो ये तुम्हें देगा 7y, यानी x बटे में y जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 7:6 और ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा।
हमसे पूछा था क्वांटिटी का रेशियो, तो यही इक्वेशन जो है ना हम लोगों का, जब कभी भी हम लोगों का ये इक्वेशन बने और इसमें हम लोगों को रेशियो निकालने के लिए दे, या हो सके एक्स का वैल्यू दे दे तुम्हें, वाई निकालने के लिए दे, कुछ भी दे तुम्हें, या हो सकता है एक्स वाई दे दे, ये 42 निकालने के लिए दे, मतलब लिटरली अगर इक्वेशन इस फॉर्मेट में है हम लोगों का, तो हम लोग वहां पे क्या लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे। अब एलिगेशन का रूल समझो, रूल क्या क्या है और किन किन जगहों पे एलिगेशन लगता है ये देखो यहाँ पे, ठीक है। जब तुम एलिगेशन लगा रहे होते हो तो तुम्हारा ए प्रकार का राइस जिसका रेट है तुम्हारा 29 रुपीस पर केजी, ठीक है, तुमने बी प्रकार का राइस लिखा 42 रुपीस पर केजी, ठीक है। यहां मिडिल में जो आएगा वो आएगा तुम्हारा ए प्लस बी, यहां पे ऊपर में टॉप में लेफ्ट में और टॉप में राइट में जो है उन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, कहां आता है हमारा मिडिल में, ये चीज को ध्यान में रखना, एकदम बेसिक चीज समझो। ऊपर में ए बी, इधर लेफ्ट में बी और राइट में लेफ्ट में ए राइट में बी, तो मिडिल में क्या आएगा ए प्लस बी आएगा, और ए प्लस बी का रेट जो दिए हुआ है वो 35 रुपीस पर, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं पे एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है। जब हम लोग एलिगेशन लगाएंगे तो अब यहां से समझो कि दो तीन बेसिक चीज यहां पे समझना है, ठीक है। सबसे पहला चीज क्या समझना है, यहां पे अगर सीपी है, यहां पे सीपी है तो यहां पे भी क्या होगा, यहां पे अगर राइस के बारे में बता रहा है, यहां पे भी हम लोग राइस को मिक्स कर रहे हैं तो यहां पे भी क्या आएगा, राइस है। मतलब इन तीनों की जो वैल्यू होगी या जो डिटरमिनेंट होगा वो तुम्हारा क्या होगा, सेम होने चाहिए, ठीक है। अब घटाते कैसे हैं ये समझो, एक बार ऊपर से नीचे घटाएंगे तो दूसरी बार नीचे से ऊपर घटाना है, एक बार क्या करना है ऊपर से नीचे 42 में 35 घटा देना है, दूसरी बार क्या करना है 35 में 29 घटा देना, ठीक है। अब यहां से तुम एक चीज समझो कि जब तुम ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा रहे हो तो ये मिडिल वाला वैल्यू का जो रेंज होता है, ये रेंज भी समझना जरूरी है। बहुत जगह मैंने ये देखा है ना कि लोग जबरदस्ती एलिगेशन लगाते थे, उन्हें मालूम नहीं होता कि वो सही लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे। ये रेंज को समझो, ये बीच वाला जो रेंज होता है ये इन दो वैल्यूज के बीच में ही होगा हमेशा, ना कभी इससे कम होगा ना कभी इससे ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये बीच वाला वैल्यू का जो होगा रेंज वो इन दोनों वैल्यूज के क्या होगा, बीच में होगा, 29-42 के बीच में 35 होगा। अब 42 में 35 घटा दोगे तो ये तुम्हारा निकल गया 7, और यहां से रेशियो 35 में 29 चला जाएगा तो 6, देखो तुम्हारा 7:6 यहां पे आया हुआ था और ये तुम्हारा 7:6 निकल गया। अब यहां से समझना क्या है कि यहां पे तो तुम्हें मालूम है कि मैंने बता दिया 7:6 तुम्हारा किस चीज को मैंने पूछा था, क्वांटिटी को पूछा था, लेकिन कभी कभी अगर हमारे सवाल में हमको नहीं समझ में आए कि ये निकल क्या रहा है रेशियो, अगर आगे देखेंगे भी चीजों को यहां से समझेंगे कि ये रेशियो को पहचानते कैसे हैं कि ये रेशियो है किस चीज का, ठीक है। तुम यहां पे देखो कि ये जो वी वैल्यू है यहां पे इसकी एक डिनोमिनेटर वैल्यू है, जैसे मैं बोलूं यहां पे कि तुम्हारा ये जो है 35 रुपीज है पर केजी, 35 रुपीज पर केजी का मतलब क्या हो गया, हर एक केजी पे तुम्हारा 35 रुपीज लग रहा है। एक केजी यानी कि डिनोमिनेटर वैल्यू जो है वो क्या है, किलोग्राम में है, और किलोग्राम जो है वो किस चीज को इंडिकेट कराता है, क्वांटिटी को इंडिकेट कराता है। तो जब ये क्वांटिटी को इंडिकेट करा रहा है तो ये जो रेशियो निकल के आएगा हमारा ये किस चीज का निकल के आएगा, क्वांटिटी ऑफ ए का क्वांटिटी ऑफ बी के साथ रेशियो निकल के आएगा, किसका रेशियो निकल के आएगा, क्वांटिटी ऑफ ए का क्वांटिटी ऑफ बी के साथ रेशियो निकल के आएगा, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग इस तरीके से देखनी है कि किसी भी चीजों का हमारा डिनोमिनेटर वैल्यू क्या है, उस डिनोमिनेटर वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों का ये रेशियो डिटरमाइन होता है, ठीक है। आगे भी हम लोग और एग्जांपल देखते हैं कि रेशियो का डिटरमाइन, रेशियो को हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं और अलग अलग तरीके के सवाल में। एक कॉमन चीज और ध्यान में क्या रखना, ये तीन चीजें जो यहाँ पे दी हुई है लेफ्ट राइट एंड मिडिल में, ये तीन चीजों के तुम फ्री हो, तीन चीजों पे काम करने के। फ्री होने का मतलब क्या है कि तुम इन चीजों को कुछ भी किसी भी नंबर से तीनों पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी नंबर से तीनों को डिवाइड कर सकते हो, डजंट मैटर। तुम दूसरे तीनों में मल्टीप्लाई कर दो तब भी रेशियो वही आएगा, टू से तीनों में डिवाइड कर दो तब भी रेशियो वही आएगा, कहीं से कोई चेंजेस नहीं आएगा, इस चीज को तुम ध्यान में रखोगे, ठीक है। यू आर फ्री टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद एनी नंबर इन दोस दीस थ्री फंक्शंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल को हम लोग करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है, उम्मीद करते हैं तुम लोगों को यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, अगर मैं बोलूं कि डीआर स्टडी पॉइंट पे, ठीक है, आपके अपने चैनल पे जिसे आप ही को बढ़ाना है, ठीक है, शेयर कर करके
डीआर स्टडी पॉइंट पे हम लोगों के पास जो लड़के हैं उन लड़कों का एवरेज वेट, ठीक है, एवरेज वेट ऑफ बॉयज जो है वो मैं रेंज रखा हूं यहाँ पे 35 kg, ठीक है। साथ ही मैं एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स का भी दे रखा हूं 52 kg, ठीक है। अब यहां से देखो, जब एवरेज वेट ऑफ बॉयज दे रखा, एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स दे रखा, अब यहां से क्या हो सकता है हमारा एवरेज वेट ऑफ होल क्लास, होल क्लास का एवरेज वेट जो है वो मैं बोल देता हूं 42 kg, ठीक है। अब ये होल क्लास कहने का मतलब क्या है, होल क्लास मतलब क्या, बॉयज एंड गर्ल्स मिला के हमारे पूरे क्लास में जितने भी लोग हैं। सबसे पहले तुम एवरेज का एक फॉर्मूला देखो, एवरेज हम लोग निकालते कैसे, एवरेज निकालते हैं, अगर हमको वेट निकालना है एवरेज तो हम लोग वेट कैसे निकालेंगे, अगर एवरेज का हम लोग यहाँ पे बात करें पहले बॉयज के लिए फिर गर्ल्स के लिए फिर बॉयज प्लस गर्ल्स के लिए, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सम ऑफ टोटल वेट ऑफ बॉयज गर्ल्स और बॉयज प्लस गर्ल्स जिसका भी निकालना होगा रेस्पेक्टिवली बटे में, फिर क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स एंड बॉयज प्लस गर्ल्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। देखो यहां पे जो तुम एवरेज निकाल रहे हो तो एवरेज में डिनोमिनेटर वैल्यू तुम्हारा किस चीज को बता रहा है, टोटल नंबर को बता रहा है, टोटल नंबर तुम्हारा क्या होता है यानी कि उनकी क्वांटिटी को बता रहा है, उनकी संख्या को बता रहा है। तो यहां से जब हम लोग एवरेज में एलिगेशन लगाएंगे तो नीचे जो रेशियो हमारा निकल के आएगा वो रेशियो किस चीज का निकल के आएगा, उनकी संख्या का रेशियो निकल के आएगा। लगा के देख लो यहां से एवरेज, जब तुम बॉयज पे एवरेज लगाओगे तो बॉयज का तुम्हारा कितना है 35 kg, ठीक है, गर्ल्स पे जब तुम लगाओगे तो गर्ल्स पे कितना है तुम्हारा 52 kg, और यहां से जब तुम आगे बढ़ोगे नीचे बॉयज प्लस गर्ल्स जो कि पूरे क्लास को इंडिकेट कराता है इनका एवरेज कितना है 42 kg। अब तुम्हें दिख रहा होगा यहां पे कि ये जो वैल्यू है 42, 35 एंड 52 के बीच में है, और यहां पे बॉयज यहां पे गर्ल्स, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा बीच में आ गया, ठीक है। तो बीच वाला ये सारी चीजें तुम्हें ध्यान में रखनी है। अब यहां से तुम देखो 52 में 42 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 10, ऊपर से एक बार तुमने नीचे घटा दिया तो तुम्हें क्या करना है, नीचे से ऊपर घटाना है। तो नीचे से जब तुम ऊपर घटाओगे तो नीचे से ऊपर कैसे घटाओगे, 42 में 35 घटाओगे तो क्या दे देगा तुम्हारा 7 दे देगा, और यही तुम्हारा रेशियो है 10:7, ठीक है। कितना रेशियो आ गया तुम्हारा 10:7 में, कितना आ गया 7 आ गया। तो चीजों को तुम इस तरीके से ही कर सकते हो, यहां से आसानी से निकाल सकते हो। इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, तुम्हें सवाल पूछ सकता है। ये सबसे पहले यहाँ पे ये देखो, ये जो रेशियो निकल के आया 10:7, ये 10:7 किस चीज का रेशियो निकल के आया, कमेंट करके अगर बता देना तुम्हें ये चीजें से समझ में आ गया होगा कि ये रेशियो किस चीज का आया। हालांकि मैं बता रहा हूँ वीडियो प्रीमियर हो चुका है, हो रहा है प्रीमियर, कमेंट करके जरूर बताओ, मैं एक एक का रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है। ये जो रेशियो हम लोगों का निकल के आया है, ये रेशियो निकल के आया है नंबर ऑफ बॉयज बाई में नंबर ऑफ गर्ल्स 10:7, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पे ऊपर में क्या था बॉयज था, यहां पे ऊपर में क्या था गर्ल्स था, और वेट का तुम्हें भी बताया एवरेज निकालने के लिए तुम क्या करोगे, सम ऑफ टोटल वेट बाई में टोटल नंबर ऑफ निकालोगे, टोटल नंबर मतलब क्या हो गया उनकी संख्या, यानी कि संख्या से हमारा रेशियो क्या चीज में आ गया, संख्या में आ गया। यहाँ हमारा बॉयज 10:7 होगा। इसमें तुमसे बहुत तरीके से सवाल पूछ सकता है, जैसे पहला सवाल तुमसे पूछ सकता है कि इफ गर्ल्स जो है वो 35 है तो फाइंड बॉयज टोटल स्टूडेंट, ठीक है। तो तुम यहां से रेशियो में तुम आ जाओ, यहां पे 7 की वैल्यू देखो दे रखी है तुम्हारी 35, तो 7 की वैल्यू जब 35 हो जाएगी तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, 1 की वैल्यू जब 5 हो गई तो 10 की वैल्यू निकालनी है, 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी 50 हो जाएगी। लेट से तुम्हें बॉयज नहीं निकालने बोलता तो मैं टोटल बोल देता तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाती, 17 की वैल्यू हो जाती तुम्हारी 85, ठीक है। यहां से तुम्हारे 85 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे, नंबर ऑफ बॉयज पूछे, गर्ल्स दिए हुए रहे, मतलब इन दोनों में कोई भी एक चीज दिए हुए रहे तो तुम इस तरीके से उसका वैल्यू निकाल सकते हो। अब इसमें तुम्हें कभी कभी ना ऐसे भी सवाल दे रखा होता है कि तुमसे दे देगा कि टोटल जो है, टोटल दे रखेगा तुम्हारा 85, ठीक है। अब तुमसे पूछ देगा बॉयज बताने के,
तो बॉयज बताने के लिए तुम क्या करोगे, बॉयज जो है वो कितना है, 10 है आउट ऑफ कितना 17, ठीक है। सो यहां से तुम क्या कर दोगे, 85 का 10 अपॉन में क्या कर दो 17 कर दो, 17 से कट जाएगा 5 बार में, बॉयज कितना निकल के आ गया तुम्हारा 50 निकल के आ गया। सेम प्रोसेस हम लोग 10 में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इसी तरीके से हम लोग का ये भी एक कंसेप्ट है, एवरेज से भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस की ओर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास दो आर्टिकल है, नेमली ए एंड बी, ठीक है, दो आर्टिकल है मेरी दुकान में, मैं ना दो ही सामान बेचता हूं, ए आर्टिकल ए एंड आर्टिकल बी, ठीक है। जब आर्टिकल ए पे मैंने प्रॉफिट देखा तो आर्टिकल ए पे मुझे 11% का प्रॉफिट मिला, ठीक है। आर्टिकल बी पे जो है हम लोगों का वो मिला कितने परसेंट का प्रॉफिट, 19% का प्रॉफिट मिला, ठीक है। जब मैंने 11% 19% देख लिया तो मुझे ना यहाँ पे देखना था कि मुझे पूरे आर्टिकल पे कितने का, पूरे दुकान में मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो पूरे दुकान में मैं जब प्रॉफिट देखा तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ए एंड बी जब मैंने देखा तो ये मुझे मालूम पड़ा कि ये मेरा मात्र 17%, ठीक है। यानी कि ए आर्टिकल पे मुझे 11%, बी आर्टिकल पे 19%, टोटल पे मुझे 17% हुआ। ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने कुछ कुछ आर्टिकल, दोनों के आर्टिकल की जो रेशियो, मतलब दोनों आर्टिकल जो मैंने बेचा होगा ए और बी का, वो डिफरेंट होंगे। मुझसे यही पूछ रखा है सवाल में, देखो तो यहां से जब हम लोग को ये मालूम हो गया कि ये सिंगल वैल्यू ए का, ये सिंगल वैल्यू बी का और ये कॉम्बिनेशन है, तुरंत में मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, एलिगेशन लगा दूंगा, ठीक है। एक बार जब मैं ऊपर से नीचे, ध्यान रखना ऊपर से नीचे जरूरी नहीं कि हर बार इधर से आता है, इधर से भी आ सकता है, इसमें कोई मैटर, इसमें ऑर्डर मैटर या डायरेक्शन मैटर नहीं करता कि ऊपर से नीचे उधर से आना है, किधर से भी तुम ऊपर से नीचे आ सकते हो। 19 में 17 घटाओगे तो तुम्हें 2 देगा, और 17 में तुम्हें 11 घटाओगे तो तुम्हें क्या देगा, 5 देगा, ठीक है, सॉरी 6 देगा, ठीक है। जब तुम इसे काट दोगे तो 2 से कट जाएगा 3 बार में, 1:1 कितना निकल के आ गया तुम्हारा, 3 निकल के आ गया, यानी कि क्वांटिटी ऑफ, अब यहां से तुम्हारा ये देखो, यहाँ पे 1:3 निकल के आया, ये आया किस चीज का, ये दो चीज का वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दो चीजें क्या है, सबसे पहले ये देखो तुम्हारा ये जो दिए हुए था परसेंटेज प्रॉफिट दिए हुए था, परसेंटेज प्रॉफिट बाई में सीपी गुने में क्या होता है हमारा परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, ये होता है। इसके डिनोमिनेटर में मुझे क्या मिल गया, डिनोमिनेटर में मिल गया मुझे सीपी, यानी कि ये जो रेशियो निकल के आया है ये निकल के आया है सीपी ऑफ ए का सीपी ऑफ बी से निकल के आया, ठीक है। लेकिन समटाइम्स कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सीपी ऑफ ए और सीपी ऑफ बी को जो है हम लोग इसको क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में भी ले सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ ए एंड क्वांटिटी ऑफ बी का है। ये सवाल जब आएगा तब मैं वहां पे बताऊंगा कि यू वहां पे वो क्वांटिटी ऑफ ए क्वांटिटी ऑफ बी चला जा रहा है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये प्रॉफिट, यहाँ पे ये प्रॉफिट, यहाँ पे ये प्रॉफिट ही होना चाहिए, कि इन तीनों में प्रॉफिट या लॉस में किसी भी एक चीज को हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज लॉस भी जब हम लोग निकालते हैं तो लॉस बाई में सीपी गुने में क्या होता है हमारा 100, नीचे में हम लोगों को क्या मिल गया, सीपी मिल गया। तो यहां से हम लोग का लॉस बोलो या प्रॉफिट बोलो, बस दोनों बात एक ही है, अंतर सिर्फ इतना आएगा हम लोगों का कि यहाँ पे अगर लॉस होगा तो वो बस माइनस में हो जाएगा और कोई भी उसमें चेंजेस नहीं है, ठीक है। एक लॉस के अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग, लॉस के अकॉर्डिंग क्या देखते हैं, जैसे मैं बोलूं कि मेरे आर्टिकल एक्स पे जो है 7% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, प्रॉफिट, और आर्टिकल वाई पे जो है मुझे 5% का लॉस हुआ, ठीक है, आर्टिकल वाई। अब इन दोनों पे मुझे जो है वो 3% का क्या हो रखा है, प्रॉफिट हो रखा है, ठीक है। तो 3% का जब प्रॉफिट हो रखा है तो देखो मैंने क्या तुम्हें समझाया था कि एक बार ऊपर से नीचे घटाना है तो ऊपर से नीचे घटा दो, ठीक है, दूसरा बार क्या करना है, नीचे से ऊपर घटाना है तो ऊपर में तो -5 है हमारा, 3 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 7 में 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 से काट दोगे 2 बार में, 2:1 में तुम्हारा क्या चीज का रेशियो निकल के आ गया, सीपी ऑफ एक्स का सीपी ऑफ वाई के साथ रेशियो निकल गया, ठीक है। तो ये हम लोगों का ये बेसिक सा चीज था हम लोग का एलिगेशन लगाने का। अब हम लोग का एलिगेशन लगाने के लिए देखेंगे वो मिक्सचर में देखेंगे कि जब हम लोग को मिक्सचर में रहेगा कि 2-3 वेसल में हमारे पास सामग्री है, उन दोनों को सब तीनों को मिक्स करना है, तो उन दोनों तीनों को हम लोग मिक्स कैसे करेंगे ये देखेंगे, ठीक है। यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज बता दूं कि थोड़ा टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी देख लो, कि अगर मैं बोलूं ए कुछ दूरी में जो है कुछ किलोमीटर पर आवर के चार्ज जाता हूं और यहाँ पे फिर कुछ किलोमीटर पर आवर के चार्ज,
और ए प्लस बी दूरी जो है मैंने कुछ अलग किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय किया, तो नीचे जो रेशियो आएगा लेट से ए रेशियो बी आएगा, ये ए रेशियो बी किस चीज का आएगा, ये रेशियो आएगा तुम्हारा टाइम का आएगा, टाइम ऑफ ए बाई में टाइम ऑफ बी का, ठीक है। क्यों? क्योंकि किलोमीटर पर आवर में डिनोमिनेटर वैल्यू हम लोगों को क्या मिला, आवर मिला, और आवर किस चीज को बताता है, हमारा टाइम को बताता है, तो हमारा ये जो रेशियो निकल के आएगा नीचे में वो किस चीज का आएगा, टाइम का आएगा, ठीक है। ये हम लोगों का यहाँ से बेसिक कंसेप्ट एलिगेशन का क्लियर हो गया। अब हम लोग इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, ध्यान सिर्फ इतना ही रखना है कि इन तीनों क्वांटिटीज को हम लोग क्या रखना है, सेम रखना है, ठीक है, चाहे वो जो भी चीज हो। अब थोड़ा सा हम लोग का लेवल अप कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अब हम लोग जो मिक्स करेंगे वो मिल्क एंड वाटर यानी कि कॉम्बिनेशन वगैरह को कैसे मिक्स करना होता है इस चीज को समझेंगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन में कैसे समझेंगे, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास दो वेसल है, ठीक है, नेमली वेसल ए एंड वेसल बी, ठीक है। वेसल ए में हमारा मिल्क जो है वो मिल्क हम लोगों का है 60%, ठीक है। तो वेसल ए में जब हम लोगों का मिल्क 60% है तो वाटर ऑब्वियस कितना हो जाएगा, हम लोगों का 40% हो जाएगा, ठीक है। वेसल बी का अगर हम लोग बात करें तो वेसल बी में हमारा मिल्क जो है वो है 75%, तो वाटर कितना हो जाएगा, हम लोगों का 25% हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा है सवाल में कि इन दोनों से कितनी कितनी क्वांटिटी ली जाए और उन क्वांटिटी का रेशियो क्या हो कि हमारा जब इन दोनों को मिक्स करके मैं जब इसे एक टब में डालूं और टब में कौन कौन सा क्वांटिटी से आ रहा है, ए और बी वेसल से आ रहा है, तो उस टब में मिल्क हमारा हो जाए 65% एंड वाटर हो जाए हम लोगों का 35%, ठीक है। अब तुम यहां से ध्यान रखो, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि हमें क्या चाहिए होता है, कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, वेसल ए वेसल बी एंड ए प्लस बी का कॉम्बिनेशन, तो वहां पे हम लोगों का क्या लग जाता है, एलिगेशन लग जाता है। अब एलिगेशन कैसे लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, ये देखो हमसे क्या पूछा है कि वेसल ए से वेसल बी की कितनी क्वांटिटी ली गई है इनका रेशियो बताने के लिए। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे कि अगर यहां पे मिल्क ऑफ ए उठा रहे, ए का क्या उठा रहे हैं, मिल्क, तो ए का मिल्क कितना परसेंट है, 60% है। हम लोग यहां से बी का तो क्या उठाएंगे, मिल्क उठाएंगे, ऑब्वियसली जब ए का मिल्क उठाए तो बी का भी क्या उठाएंगे, मिल्क, जो कि कितना है हमारा 75% है, ठीक है। और ए प्लस बी का भी हम लोग क्या उठाएंगे, मिल्क उठाएंगे, जो कि हम लोगों का कितना है 65%। और एलिगेशन यहां से लगा, एलिगेशन जब लगाएंगे तो 75 में 65 चला जाएगा 10, 65 में 60 चला जाएगा 5, दैट इज नन अदर देन 2:1। अब ये रेशियो किस चीज का है, ये देखो 60% करने का मतलब क्या, 60/100 किस चीज को बता रहा है, इस पूरे वेसल की कैपेसिटी को बता रहा है। तो ये जो 2:1 आया है हम लोगों का, ये क्या चीज का रेशियो आया है, कैपेसिटी ऑफ ए बाई में कैपेसिटी ऑफ बी। तो कैपेसिटी अगर बोल रहे हो तो तुम्हारा ये दो तरह का सेंस यहां से लेता है कि कैपेसिटी मतलब पूरा वेसल का क्वांटिटी को बता दे रहा है। अगर ये तुम्हारे इस रेस्पेक्ट में दिए हुए हैं, जब अगर तुम्हें बोले इसकी कुछ मात्रा निकाली गई है, तो ये कैपेसिटी ना हो के ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटी जितना लिया गया, मतलब ये जो तुम्हारा आएगा ये आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ ए बाई में क्वांटिटी ऑफ बी, ठीक है। मतलब क्वांटिटी ऑफ ए और क्वांटिटी बी का जिस रेशियो में निकाला गया उस रेशियो में, मतलब कैपेसिटी कुछ और थी और उसे हम लोगों ने उसमें से कुछ निकाला और कितना निकाला उसका रेशियो। ये दो चीजें वहां पे होती हैं कि ये कैपेसिटी कब होता है, जब इसका और इसका दोनों का हम लोग पूरा पूरी मात्रा निकाल के इसमें मिक्स कर दे रहे हैं तब, तो ये कैपेसिटी को बताएगा। अगर इसमें से कुछ मात्रा इसमें से कुछ मात्रा मिक्स कर रहे हैं तो ये किस चीज को बताएगा, उस मात्रा को बताएगा कि किस मात्रा को हम लोगों ने लिया है, ठीक है। अब इसी चीज को देखो तुम्हारा, इसी चीज को अगर मैं रेशियो में देखूं तो रेशियो में हम लोगों का क्या होने वाला है, ठीक है। सेम डेटा को हम लोग जो है रेशियो में मिक्स करते हैं, रेशियो में देखो कैसे हम लोग करें, हमसे पूछ के अच्छा एक चीज बताओ, रेशियो में जाने से पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया, मिल्क लिया और यहाँ पे भी मिल्क, तो हम लोग इसको वाटर के अकॉर्डिंग भी करके चेक कर लेते हैं कि वाटर ऑफ ए जब लेंगे तो ये था हम लोगों का 40%, वाटर ऑफ बी जब लेंगे तो ये था हम लोगों का 25% एंड वाटर ऑफ जब ए प्लस बी लेंगे तो ये था हम लोगों का 35%। अब यहां से फिर से एलिगेशन लगा के चेक कर लो, 25 में 35 चला जाएगा 10
और 40 से 35 हजार यानी कि 5 रेशियो कितना आ गया, 2:1 आ गया, सेम चीज आया हम लोगों का क्वांटिटी का रेशियो। तो यहाँ से ध्यान रखो कि तुम अगर मिल्क ले रहे हो तो सब जगह मिल्क होना चाहिए, वाटर ले रहे हो सब जगह वाटर होना चाहिए। भैया निकलेगा तो वही क्वांटिटी ना, चाहे मिल्क के अकॉर्डिंग चेक करो चाहे वाटर के अकॉर्डिंग चेक करो, आना उसको वही रेशियो में। तो ये चीज को ध्यान में रखना कि अगर कोई सेम क्वांटिटी पे चलना है तो वो सेम क्वांटिटी ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखो सेम चीज को अगर मैं रेशियो के अकॉर्डिंग तुम्हें समझाऊ यहाँ पे, ठीक है। तो रेशियो के अकॉर्डिंग में तुम्हें यहाँ पे कैसे क्या बता सकता हूँ कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक टब जो ए था इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो है हमारा 3:2। दूसरा वेसल बी जो था इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो है हमारा 3:1, ठीक है। जब इसको हम लोग एक टब में मिक्स किए तो टब में जो हमारा रेशियो निकल के आया वो निकल के आया 13:7, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें बताना है कि किस रेशियो मिलेगा। हालांकि देखो डेटा वही है, बस मैं समझने के लिए मैं यहाँ पे तुम्हें सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहां से देखो कि जब हम लोग मिल्क का पार्ट बता रहे हैं तो मिल्क का पार्ट अगर ए में पूछे तो ए में मिल्क का पार्ट कितना हो जाएगा, 3/5, ठीक है। अगर पार्ट से रिलेटेड सवाल में दिक्कत होता है तो पार्ट के लिए तुम यहां से समझ लो कि पार्ट किसी भी चीज का बोले निकालने के लिए उसके रिस्पेक्ट में टोटल का लिख दो। यहाँ पे अगर मिल्क का पार्ट बोल रहा है तो मिल्क 3 है, आउट ऑफ टोटल कितना है 3/5 है, ठीक है। अब यहाँ पे मिल्क अगर हम लोग बोले बी में पार्ट ऑफ मिल्क तो मिल्क कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, और हम लोग का मिक्सचर में डेट इज ए प्लस बी में कितना हो जाएगा, 13/20 हो जाएगा, ठीक है। तुम क्या करोगे यहाँ पे घटाना शुरू कर दो, ठीक है। जब तुम घटाओगे यहां से तो तुम्हारा घटेगा कैसे, यहाँ पे 13/20 माइनस में क्या कर दोगे, 3/5, ठीक है। एक बार तुमने क्या किया, नीचे से ऊपर घटाया तो अब का क्या होगा, तुम्हारा ऊपर से नीचे होगा, तो ऊपर से नीचे 3/4 माइनस में 13/20 कर दोगे। अब यहां से तुम देखो एलसीएम लोगे तो एलसीएम तुम्हारा 20 हो जाएगा, 4 से 5 बार में 5 या 15 में 13 चला जाएगा 2/20 रेशियो में। यहां पे तुम एलसीएम 20 लोगे तो 5 से 4 बार में 4 या 12 13 में 12 चला जाएगा, 1 20 20 खत्म हो गया। क्या रेशियो निकल के आ गया, 2:1 में कितना निकल के आ गया। देखो रेशियो बोले या परसेंटेज बोले करना तो तुम्हें उतना ही था, ठीक है। अब यहां से तुम्हारे दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या इसको हम अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो हमारा आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये करना गलत होगा, क्यों ये करना गलत होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नंबर्स तुम्हारे वहां पे दिए होंगे जिनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना इजिली पॉसिबल नहीं है। यहाँ ना तुम्हारा इजिली पॉसिबल था लेकिन इजिली पॉसिबल नहीं है, इसलिए वहां पे हम लोग उसको कन्वर्ट नहीं करें। अब स्टार्टिंग में मैंने एक मेन फैक्टर बताया था कि हम लोग जो है इन तीन फंक्शंस पे हम लोग किसी भी नंबर से गुणा या द्विभाग दे सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ना उस चीज को भी चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग का क्या है कि हम लोग का डिनोमिनेटर हटाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 20 है तो हम हर एक में एक कॉमन नंबर 5/4/20 में एक कॉमन नंबर चुने, ऐसा नहीं कि बीसी चुने, 5/4/20 में कॉमन नंबर, यहाँ 20 यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 20 से 20 खत्म, 5 से 4 बार में सब्सिट्यूट वैल्यू 12, 4 से 5 बार में 5 3 15, ठीक है। 15 में 13 जाएगा 2 और 13 में 12 जाएगा तो 1 आ गया 2:1 और यही हमारा आंसर हो गया 2:1। अब तुम इसे वाटर के अकॉर्डिंग भी करोगे तो यही चीज आने वाला है, ये चीज मैंने अभी जस्ट बताया कि मिल्क के अकॉर्डिंग करो वाटर के अकॉर्डिंग करो, कुछ चेंज नहीं आने वाला है। ये रेशियो को हम लोग गुना करके भी चेक कर लेंगे, तीन फंक्शन पे हम लोग कोई भी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो है वही कॉन्स्टेंट रहता है, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो ये चीज देखो यही चीज को मैंने जस्ट क्या किया रेशियो में, सवाल क्या था हम लोगों का कि 3:2 में मिक्सर है हमारा वेसल ए में, 3:1 में मिक्सर है हमारा वेसल बी में, इन दोनों को किस क्वांटिटी में मिक्स करेंगे कि हमारा टब में जो है 13:7 में मिल्क और वाटर हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट जिस रेशियो में मिक्स करेंगे वो क्या होगा, 2:1, मतलब ए का 2 यूनिट उठाएंगे तो बी का कितना उठाएंगे, 1 यूनिट, ए का 4 यूनिट उठाएंगे तो बी का कितना उठाएंगे, 2 यूनिट उठाएंगे, इसी तरीके से। अब यहां से क्या होता है ना, तुम्हारा यहां से हम लोग थोड़ा सा सवाल को बदलेंगे, हमारा यहां से क्या रहेगा कि वैल्यू जो है थोड़ा थोड़ा बदलना सीख लेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग को क्या देगा कि ये बीच वाला टब जो है इस टब को गायब कर देगा, ठीक है, और बोलेगा वेसल ए को वेसल बी के साथ 2:1 में हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो टब में कितना मिल्क है कितना वाटर है ये बता दें। तो अगर परसेंटेज में पूछा तो परसेंटेज में, रेशियो में पूछा तो रेशियो में, जैसे पूछ दे। अब देखो यहां से ना इसका दो तरीका है तुम्हारे पास, ठीक है। पहला तरीका क्या है, यहां से 60 उठाओगे, यहां से 75 उठाओगे, मिल्क पे ही चल रहे हो,
यहाँ पे मिल्क लिख दोगे एक्स और एलिगेशन लगाओगे, तो एलिगेशन लगाने के बाद ये हो गया तुम्हारा 2:1। इसका जो इक्वेशन बन के आएगा वो इक्वेशन क्या बन के आएगा तुम्हारा कि तुमने 75 माइनस एक्स करा एक बार, एक और ऊपर से नीचे घटाया, फिर नीचे से तुमने क्या घटाया ऊपर घटाया, तो एक्स माइनस क्या करा 6 करा। जब 75 में तुम एक्स घटाओगे तो तुम्हें सामने क्या मिलेगा 2 मिलेगा, और जब एक्स में 60 घटाओगे तो सामने तुम्हें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। और इसी को जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहां से चाहो तो सॉल्व भी कर लेते हैं, 75 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस में 120 इधर लाके ऐड कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 78 195 बराबर में 3x, 3 से काट देंगे तो 6 और 5 बार में x का वैल्यू निकल के आ गया 65%। ठीक है, तो याद करो हम लोगों ने 65% इसके पहले हम लोगों ने ले रखा था, और ये जब 65% आ गया चूंकि ये मिल्क है तो ये भी मिल्क निकल के आ गया, मिल्क 65% आ गया तो हमारा वाटर कितना आ जाएगा 35% आ जाएगा, और यही हमारा स्टब का जो है पॉइंट परसेंटेज निकल गया। लेकिन जब ये चीजें हमें रेशियो में दे दे तो रेशियो में हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, हम लोगों को यही सेम चीज यही सवाल हम लोगों का इसमें टब हटा दे यहां से, और हम लोगों को बोले कि वेसल ए का वेसल बी के साथ जो रेशियो है वो रेशियो है 2:1। ठीक है, तो जब हम लोग यहां से मिल्क उठाएंगे तो मिल्क उठेगा 3/5, इधर मिल्क उठाएंगे तो ये उठेगा 3/4, और इधर टब में मिल्क हम मान लेते हैं x बटे में 1 है, और एलिगेशन जब लगाएंगे हम लोग यहां से तो हम लोग का क्या होगा 3/4 माइनस में क्या हो जाएगा x, और यहां से क्या हो जाएगा x माइनस में 3/1। ठीक है, और यहां से ये जब आ गया हम लोगों का तो इसी चीज को देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये रेशियो हम लोग को दिए हुआ है 2:1। ठीक है, तो हम लोग क्या किए थे 3/4 माइनस में x किए थे एक बार किए थे, x माइनस में 3/5 किए थे, और यही हम लोगों का था। यहां से जब 2 आया जब इन दोनों को घटाएंगे तो सामने दिखा 2 और नीचे में क्या दिख गया 1 दिख गया, 2/2 हम लोगों ने क्या लिख दिया 1 लिख दिया। जब हम लोगों ने 2/1 लिख दिया तो हम लोगों ने यहां से जब x को सॉल्व किया, सॉल्व कर लेना इस चीज को, थोड़ी सी तो दिक्कत आएगी सॉल्व करने में, और x को सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा ये यहां से 13/20। ये 13/20 क्या मिला हमको, मिल्क मिल गया, तो मिल्क जब 13/20 है तो वाटर क्या हो जाएगा 7/20, और रेशियो निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 13:7 आ जाएगा, जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देख रखा था कि वहां 13:7 था। तो ये चीज को ध्यान में रखो कि जब भी हम लोगों का इस तरीके से आएगा तो हम लोग एक तरीका तो इसको ये सॉल्व करने का, लेकिन खुद सोचो कि अगर ये बड़े नंबर्स आ गए या नंबर्स डिफिकल्ट हो गए तो ये हम लोगों का करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इस डिफिकल्टी से कैसे बचेंगे इस चीज को यहां से समझो। ठीक है, इस डिफिकल्टी से बचने के लिए देखो क्या है, हमारा ए में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो है 3:2। ठीक है, बी में जो है वो है 3:1, इन्हीं दोनों को मिक्स करना है, और मिक्स करके टब में मिल्क और वाटर कितना कितना रेशियो में है हमें ये बताना है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन दिया है कि 2:1 में हम लोगों को क्या करना है एक और बी को मिक्स करना है। ठीक है, तो यहां से ध्यान रखो 2:1 हमारा यहाँ पे मिक्सर। सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस को समझो कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 3:2 ऐड करेंगे तो टोटल यहाँ 5 हो गया, 3:1 ऐड करेंगे 4 हो गया। हमको इसको 2:1 के सांचे में डालना है, यहाँ तो ये 5:4 में है। ठीक है, हम लोग इस चीज को कैसे रीड करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं एक ब्रैकेट बना देते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और सबसे पहले इसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस मतलब इक्वल करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इक्वल जैसे ही हो गया तो ए के लिए चाहिए था 2, बी के लिए चाहिए था 1, तो ए में हम लोग 2 से गुना कर देंगे, बी में हम लोग 1 से गुना कर देंगे, बाहर हम लोगों ने इधर 5 से गुना किया, बाहर इधर हम लोगों ने 8 से गुना किया, तो इधर भी 8 से गुना कर देते हैं और इधर भी 8 से गुना कर देते हैं, इधर भी 5 से गुना कर देते हैं, इधर भी 5 से गुना कर देते हैं। अब तुम यहां से देखो 8 3 = 24, 5 3 = 15, 24 और 15 ऐड करोगे तो क्या देगा तुम्हारा 39 देगा, 8 2 = 16 और 5, 16 और 5 करोगे तो तुम्हारा 21 हो जाएगा, 3 से जब तुम इसे काटोगे तो 3 से ये कट जाएगा 13/3, 3 से ये कट जाएगा 7/7, देखो साफ साफ तुम्हारा टब का 13:7 अभी भी हम लोगों ने वहां पे निकाला था, यहाँ पे भी हम लोगों का जो निकल गया है वो 13:7, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, जस्ट बैलेंस किया, और कभी कभी तो तुम्हें ये बैलेंस किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को समझो कि यहाँ से तुम करके अपना समय बचा सकते हो और चीजों को बेहतर तरीके से अप्रोच कर सकते हो, हालांकि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, इसमें भी अगर तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड है तो तुम इसको भी कर सकते हो, और मैथ इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। ठीक है, तो कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाओ और चीजों को समझो कि हम लोग चीजों को और आगे कैसे लेके जा सकते हैं।
ठीक है। अगला कंसेप्ट देखो, अगला कंसेप्ट हम लोग का क्या है, इसी सवाल में हम लोग सेम सवाल में चलते हैं, ठीक है। वेसल ए में, ठीक है, मिल्क और वाटर जो दिए हुए था हम लोगों का, वो दिए हुए था 3:2 में। वेसल बी में जो दिए हुए था, ये दिए हुआ था मिल्क और वाटर 3:1 में, ठीक है। और जब हम लोगों ने इसमें मिक्स किया, तो मिक्स करके जो टब आया था हम लोगों का, जिसमें ए और बी की क्वांटिटी थी, ये हम लोगों का था 13:7, ठीक है। अब हमसे क्या करेगा, इसी में कोई एक क्वांटिटी दे देगा और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमसे बोलेगा सॉल्व करने की, ठीक। हमसे क्या बोलेगा सवाल में कि इस ए में जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी है हमारी 50 लीटर, ठीक है। इस ए में जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी है हमारी 50 लीटर। अब हमसे बहुत सारी चीजें पूछ सकता है, हमसे पूछ सकता है कि इसमें बी में कितनी क्वांटिटी है, हमसे पूछ सकता है टब में कितनी क्वांटिटी, ठीक है। मतलब एक का क्वांटिटी दे देगा और इसी के बेसिस पे हमसे दोनों के क्वांटिटीज पे चर्चा कर सकता है। ये भी पूछ सकता है कि टब में मिल्क कितना है, वाटर कितना है, ये भी पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि बी में मिल्क और वाटर कितना है, ये नहीं पूछेगा कि ए में मिल्क, ये तो सबसे सिंपल सा चीज हो गया, ठीक है। तो यहां से तुम देखो, यहां पर तुम क्या करो, जब तुम इन दोनों को मिक्स करोगे, ठीक है, तो मिक्स उसी तरीके से हम लोग करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 3/4 मिल्क के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पे हम लोग चलते हैं इस 50 लीटर को, मैं यहां लिख देता हूं कि ये ए का 50 लीटर है, ठीक है। यहां चलते हैं तो ये है 3/5, और यहां आएंगे तो ये है हमारा 13/20। और इसी को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम लोग कंसेप्ट पे आते हैं। 2:1 हम लोगों का आया था। अब ये 2:1 जो आया था, ये किस चीज को बता रहा था हम लोगों का, ये जो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर ये 5 है, ये पूरे कैपेसिटी 3, 2, 5 कैपेसिटी को बता रहा है। ये देखो 4 लिखा, 3 और 1 4 पूरे कैपेसिटी को बता रहा है। तो ये जो आया हम लोगों का किस चीज का आया, उसे कैपेसिटी का रेशियो है। अब 2 यूनिट ये जो आया, ये ए के लिए आया और ये किसके लिए आया, बी के लिए आया। इस 2 यूनिट की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 50 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 लीटर। 1 यूनिट 25 होने का मतलब क्या है, इस बी में 25 लीटर है, ठीक है। अब हमें क्या बोला था कि ए और बी का मिक्स कर दिया, तो ए में 50, बी में 25, तो इसमें जब मिक्स होके आएगा तो ये कितना लीटर आएगा, 75 लीटर आएगा, ठीक है। और इसी चीज को तुम यहां से भी निकाल सकते हो, 1 यूनिट का मान 25 है, 2, 1, 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 75 लीटर, यहां से, ठीक है। अब इसमें अगर तुमसे पूछ दे कि मिल्क और वाटर किस रेशियो में है, तो मिल्क और वाटर तुम 3:2 में बोल सकते हो। मिल्क निकालना है तो 75 का क्या बोलोगे, 3/5 बोलोगे, मैंने अभी बताया था, 5 से काट दो 15 बार में, 15 दिया क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो वाटर कैसे निकलेगा हम लोगों का, 75 टोटल था, मिल्क 45 हो गया, घटा देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 30 लीटर। तो इस बेसिक से चीज को यहाँ पे तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इस बेसिक से चीज को हम लोग को कैसे करना। एक और टाइप मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि वो टाइप क्या है हम लोगों का, ये देखो। अभी तक में हम लोगों ने 2 वेसल को मिक्स किया, ठीक है। अब हम लोग जो है 3 वेसल को मिक्स करेंगे, और 3 वेसल को मिक्स कैसे करते हैं, इसकी भी 2 वेरिएंट है। देखो दोनों वेरिएंट कैसे हम लोग को सॉल्व करेंगे, एक एक करके हम लोग वेरिएंट्स को समझते हैं, ठीक है। हम लोगों के पास 3 वेसल है, नेमली ए, जिसमें मिल्क और वाटर है 3:2 में। फिर हम लोगों के पास 2nd वेसल है बी, जिसमें मिल्क एंड वाटर जो है 7:3 कितना में है, 3, ठीक है। और एक तीसरा वेसल भी है जिसमें सी, जिसमें मिल्क और वाटर जो है वो 11:4 कितना में है, 4, ठीक है। अब 3 वेरिएंट, जो 2 वेरिएंट मैंने तुम्हें बताया था, वो 2 वेरिएंट क्या है, पहले ये समझो। इसमें क्या बोल देगा तुम्हें सवाल में कि मैंने यार दोनों वेरिएंट को लिख रखा है, ठीक है। दोनों वेरिएंट हम लोग इकट्ठे देख लेते हैं, ठीक है। क्या हम लोग का पहला टाइप का इसमें से क्या आएगा, टाइप हम लोग देख लेते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। पहले हम लोगों को बोलेगा कि ए की क्वांटिटी, बी की क्वांटिटी और सी की क्वांटिटी तीनों क्या है, इक्वल है। तो जब इन तीनों को मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने के बाद मिक्सचर का क्या, मिक्सचर में क्या मिल्क और वाटर होगा, ये हमें बताने को बोलेगा। पहला क्या बोलेगा हमसे कि ए की क्वांटिटी, बी की क्वांटिटी, सी की क्वांटिटी क्या है, इक्वल। दूसरा हमसे क्या बोलेगा कि ए में, बी में और सी में जो रेशियो है वो है 1:2, 2:1, 3 का, ठीक है। क्या बोलेगा हमसे सवाल में
कि सेकेंड टाइप में हम लोग क्या बोलेगा कि ए बी सी में जो क्वांटिटीज का रेशियो है वो 2:1:3 में है और हमें मिक्स करना है 2:1:3 में, तो हमसे पूछेगा कि नए वेसल में हमारा मेल प्रवर्टन किस रेशियो में। अब यहाँ से देखो तुम्हारा पहला टाइप क्या है कि हम लोग यहाँ से जब सॉल्व करने के लिए निकलेंगे तो यहाँ पे मिल्क और यहाँ वाटर लिख देंगे ए में। ए में जो हम लोगों का है वो है 3:2 में और टोटल हम लोगों का कितना हो जाएगा 5। बी में आते हैं, बी में हम लोगों का है 7:3 में और टोटल कितना हो जाएगा हम लोगों का 10। सी में आते हैं, सी में हम लोगों का है 11:4 में, टोटल कितना हो जाएगा हमारा 50। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट लगा। अब हमसे सबसे बड़ा चीज क्या बोला था कि ए बी और सी की क्वांटिटीज जो है वो इक्वल है, मतलब जितना लीटर ए में अटता है जितना बी में अटता है जितना सी में अटता है, ये तीनों क्या है बराबर है हम लोगों का। जब तीनों बराबर है हम लोगों का तो यहाँ पे तो टोटल बराबर होना चाहिए, तो ये बराबर है नहीं। बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 10, 5 और 15 का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 30 जब हो जाएगा तो 5 को 30 बनाने के लिए तुम क्या करोगे 6 से गुना, 10 को 30 बनाने के लिए 3 से गुना, 15 को 30 बनाने के लिए 2 से गुना। ठीक है, जब 2 से गुना कर दिए तो देखो तो 6 × 5 = 30, 10 × 3 = 30, 15 × 3 = 30, क्वांटिटीज इक्वल हो गया। जितना तुमने बाहर इक्वल किया गुना किया उतना ही तुम अंदर भी गुना कर दो और चीजों को फिर सॉल्व कर दो। इस चीज को मैंने पहले भी बता चुका है, यहाँ पे जस्ट 3 वेसल और यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, 6 × 3 = हमारा 18 है, 7 × 3 = 21 है और 11 × 2 = 22 है। ऐड करेंगे तो 1 और यहाँ से 2 × 2 = 4 + 5 = 6, 61 आ जाएगा। ठीक है, रेशियो में फिर यहां से देख लो क्या है, 6 × 2 = तुम्हारा 12 है, 3 × 3 = 9 है, 4 × 2 = 8 है, तो 12, 8 = 20 और 9 क्या हो जाएगा तुम्हारा 29 हो जाएगा। यानी कि फाइनल जो तुम्हारा रेशियो निकल के आ जाएगा वो रेशियो क्या निकल के आ जाएगा 61:29। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 6 × 3 = हमारा कितना है 18 है हम लोगों का और 7 × 3 = क्या किया हम लोगों ने 21 किया और फिर यहां से 11 × 2 करेंगे क्योंकि 12 में 2 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 और 18 साफ साफ तुम्हें दिख रहा होगा 40 हो जाएगा, 40 × 21 कितना हो जाएगा 61 और यहाँ से हम लोगों का 61 और 29 जो है हम लोगों का फाइनल आंसर है। ये हम लोगों का मिक्सचर का, जो हम लोग मिक्स करेंगे तो मिक्सचर में हमारा मिल्क और वाटर जो होगा वो होगा 61:20 में, कितना 20। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, इसमें तुमने क्या करना है, इसमें भी वही सेम चीज करना है मिल्क और वाटर। ठीक है, ये है तुम्हारा 3:2 में, बी में है तुम्हारा 7:3 में, सी में है तुम्हारा 11:4 में। ठीक है, टोटल क्वांटिटी पे आ जाते हैं 11:4 = 15, 7 × 3 = 10 और 3 × 2 = 5। अब हमें क्या करना है, इस सांचे में ढालना है इसे, यहां तो क्वांटिटी 5, 10, 15 है यानी कि 1, 2 और 3 का रेशियो, लेकिन 2, 1, 3 के रेशियो में हमें डालना है। तो जब जब हमें इस सांचे में ढालना होता है, मतलब इसी किसी रेशियो में मिक्स करना होता है, उसके लिए मैंने 2 में तुम्हें बता रखा था, 2 में क्या मैंने बता रखा था कि सबसे पहले इसे बैलेंस करना है। ठीक है, अगर तुम्हें वो बातें याद है तो तुम इस वीडियो को पॉज करके पहले एक बार खुद से करने का कोशिश करना और उसके बाद फिर वीडियो को देखना, अगर खुद से हो जाएगा तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को क्या करना था कि इसको हमें बैलेंस करना है सबसे पहले, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, इसको 6 से गुना कर देंगे हम लोग। ठीक है, इसको किससे गुना कर देंगे, तो इससे हमको इसको हम लोग गुना कर देंगे 3 से और इसको गुना कर देंगे 2 से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या, आगे जब बढ़ेंगे तो इसको 2 में लाना है, तो इसको 2 में लाने के लिए क्या करेंगे 2 से गुना, इसको 1 से गुना और इसको 3 से गुना करेंगे। बाहर में हम लोगों ने कितना कितना से गुना किया, 12, 3 और 6 से गुना किया, तो ये भी क्या होगा 12 से गुना, ये भी 12 से गुना। ठीक है, ये भी 3 से गुना, ये भी 3 से गुना और ये भी 6 से गुना, ये भी 6 से गुना। ठीक है, तो तुम यहाँ आओगे मिल्क और वाटर लिखने के लिए, 12 × 3 = तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग रफ कर ले रहे हैं 36, 7 × 3 = कितना हो जाएगा 21, 11 × 6 = कितना हो जाएगा 66, 6 × 12 और 1 × 13 = 3, 8 में 3 × 2 = 5 और 6 × 6 = 12, 123, यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा 123 आ गया। यहाँ जाओ, यहाँ से हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का क्या है 12 × 2 = कितना है 24 है, 3 × 3 = कितना है 9 है और 6 × 4 कितना हो जाएगा 24, 24 × 2 = 48, 48 × 9 जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 57 और यहाँ से हम लोगों का हो गया ये 57। हालांकि इसे और भी हम लोग काट सकते हैं, ये हमारा 3 के मल्टीपल में है, तो 3 से जब इसे काटेंगे तो 4 और 1 बार में कट जाएगा, 3 से 1 बार में हमारा और 9 बार में, यानी कि 41:1 में हमारा फाइनली क्या आ गया 19 आ गया। ये 2 वेरिएंट जब हम लोगों को मिक्स करने के लिए बोलेगा तो हम लोग इसी तरीके से करेंगे और इसका सबसे आसान तरीका ये,
लेकिन जब इस कंडीशन में आते हैं तो इस कंडीशन में कभी कभी नंबर टफ हो जाने की वजह से हम लोगों को अपना प्लान जो है ये वाला प्लान जो है बदलना पड़ता है। तो प्लान जो बदलेंगे वो हम लोग का जब सवाल आएगा, कुछ एकाक सवाल जो आएगा उसको हम लोग जज कैसे करेंगे या जज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजों को मैं उस प्लान में बताऊंगा, वहां पे तुम लोगों को इसको देखना है। तो ये जब सवाल आएगा तो इस चीज को यहाँ पे देखना है। इसी के साथ हम लोग का ये जो सेशन है यहाँ पे ही खत्म होता है। ध्यान रखना इसी सेशन के बाद तुम्हारा जब ये वीडियो स्ट्रीम होने के बाद जब वीडियो स्ट्रीम हो जाएगा तो मैं उसमें इसी वीडियो के लास्ट में मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगा जिसे तुम बना सकते हो। जितने भी मैंने कंसेप्ट बताई हैं उन सभी कंसेप्ट को तुम्हें बनाना है, सो क्वेश्चंस मैं तुम्हें पहले ही प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद तुम उस वीडियो को भी जरूर देखना जो क्वेश्चंस मैंने सवाल में कराऊंगा, जो वीडियो लेके आऊंगा इसी कंसेप्ट पे आधारित, ताकि तुम्हें ये पता चले कि तुमने क्या किया है, कितनी जगह तुमने गलती की है और कैसे हम लोग बेहतर अप्रोच लेके सवाल को बनाए। ध्यान रखना मिक्सचर एलिगेशन पे कमांड पाना है तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना और वीडियो को थोड़ा फैलाना भी, ये भी तुम्हारा ही काम है, ये भी तुम्हारा ही चैनल है, इसे तुम्हें ही ग्रो कराना है। ठीक है, तो वीडियो को जितने भी तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, सब जगह फैलाओ और बने रहो हमारे साथ। तब तक अपना ध्यान रखो, सवाल को बनाते रहो। थैंक यू।